हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, वो भी किसके, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पे ही ये वीडियो पूरी एंड हो जाएगी, साथ में ये चैप्टर भी पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए एक थम्स अप तो बनता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बता दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिसकी वजह से आपको ईजी लैंग्वेज में वो पीडीएफ होंगे, तो आप उसकी वजह से आप आराम से ही आप याद कर सकेंगे और समझ भी आ जाएगी आपको अच्छे से। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। पहले पॉइंट की बात की जाए तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग जो है वो हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर को ब्रॉड स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में, यानी कि बड़ी बड़ी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको बनाने में हेल्प करती है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, और लॉन्ग टर्म प्रोसेस को, यानी कि वो ये ध्यान में रख सकता है कि फ्यूचर में उसको क्या क्या चीज़ करनी है और किस तरीके से करनी है। ठीक है ना, ये उसको ध्यान में फ्यूचर में क्या क्या चीज़ करनी है और किस तरीके से करनी है, ये उसमें आती है। पहली एडवांटेज है ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग की। दूसरी एडवांटेज की बात की जाए तो क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक्शन प्लान्स को वो ड्राफ्ट कर सकता है, यानी कि वो एक्शन प्लान्स बना सकता है टू डील विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि आप जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, यानी कि जैसे आज पहले के टाइम पे सिंपल फोन होते हैं, फिर बड़े फोन, फिर और चीज़ें, लेकिन जो कंपनी होगी वो खुद को ढाल लेती है उसमें। जैसे कि जब 3G वाली कंपनी थी जो फोन बनाती थी, जैसे कि माइक्रोमैक्स के लिए ये बात, या दूसरी कंपनी जो बनाती थी, तो क्या कि उन्होंने खुद को प्रिपेयर कर नहीं रखा हुआ था इतना कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या सोचा था उन्होंने, सिर्फ 3G के बारे में सोचा था। तो जब 4G वाली कंपनीज आई, जैसे कि शाओमी आई, जब इन्होंने 4G इंटरनेट अपने फोन में डालना स्टार्ट कर दिया, तो क्या कर दिया, ले ली 3G वाली कंपनी से इन्होंने। तो बस यही चीज़ होती है इसमें। तो इसमें क्या है कि जैसे कि कंपनी को क्या होता है, खुद को बनाना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी जियो आया, जैसे 2016 में जियो आया था, तो क्या हुआ कि बाकी जो थे प्लान्स उन्होंने कम कर दिए थे, यानी कि जो प्लान्स का रेट था, रिचार्ज का जो रेट था प्लान्स का, वो पहले ज़्यादा था, वो कम कर दिए, लेकिन फिर भी डाल दिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो एयरसेल था, एयरसेल ने नहीं किया, तो बाकी कंपनीज ने आगे निकल गए, एयरसेल ख़त्म। ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो ये सब हुआ, तो ये होता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में रील करने में हेल्प करती है एनवायरमेंट स्कैनिंग। तीसरी चीज़ की बात की जाए तो जो एनवायरमेंट स्कैनिंग है वो गाइड करती है एंटरप्रेन्योर को कि वो ये देख सके कि जो सोशल इम्पैक्ट होगा, जो भी वो पॉलिसी बना रहा है या जो भी वो उसमें कर रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो उस पर सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और जो सोशल इम्पैक्ट होता है वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे क्या पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है वो इफेक्ट कर देती है बिजनेस को, या तो डायरेक्ट लेवल पे या तो इनडायरेक्ट लेवल पे इफेक्ट कर ही देती है। लेकिन ये था इसका तीसरा एडवांटेज, ठीक है ना, एडवांटेज स्कैनिंग जो हेल्प करता है। चौथी चीज़ होती है एनवायरमेंट स्कैनिंग जो होता है वो एनेबल करता है एंटरप्रेन्योर को, यानी कि वो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर की वहाँ पे इस चीज़ में कि वो जो है स्टडीज़ को वो बारीकी से देख सकता है, जो स्ट्रेटजीज को लगानी है, स्टडी करना है किसको, स्ट्रेटजीज को। तो इसमें एंटरप्रेन्योर को स्टडी कर रही है स्ट्रेटजीज किनकी, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सके। जैसे कि एयरटेल ने भी जो है वो कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी को देखा, जैसे जियो की स्ट्रेटजी को देखा, उसने भी अपने प्लान सस्ते कर दिए और एक्स्ट्रा फीचर्स भी देना स्टार्ट कर दिए, ताकि वो बराबरी कर सके जियो की। इसी को बोलते हैं कि दूसरों की कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को देख के हमें भी खुद को आगे निकालना है, और हमें खुद को रोकना नहीं है, आगे निकालना है, क्योंकि अगर हम रुक गए तो बिजनेस लॉस में जाएगा। ठीक है ना, पांचवें पार्ट की बात की जाती है तो ये हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को फ्लेक्सिबल और डायनामिक रहने में, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, अगर इंसान ने फ्यूचर देखा होगा, पहले का ही सोच के रखा होगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, ये अगर चीज़ आती है, जैसे अगर कहीं कंपनी ने 5G की तैयारी करके रखी हुई है, अपने तरफ से आपने सुनते ही होंगे आए दिन न्यूज़ पे, तो क्या होगा कि इसी चीज़ से उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी। अगर 5G आएगी तो उन्होंने खुद को पहले ही प्रिपेयर करके रखा है, तो अगर कंज्यूमर नीड्स और डिमांड चेंज भी हो जाती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नई चीज़ नई टेक्नोलॉजी लगा लेंगे और प्रॉफिट वापस कमा लेंगे। तो ये थे इसके 5 एडवांटेजेस। अब अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए, यानी कि आप कह सकते हैं लिमिटेशन, तो वो है इसकी 3 लिमिटेशन। तो चलिए अब लिमिटेशन को पढ़ना शुरू कर दें। पहली लिमिटेशन है इनएक्यूरेट फ्यूचर एस्टीमेट, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि यार जो आपने एस्टीमेट लगाया होगा वो एस्टीमेट गलत लग जाता है, कि सोचा होगा इस चीज़ का ट्रेंड आया, सपोज करो कि मैं ट्रेंड लगाता हूँ कि अगले साल जो जूते बनेंगे उनमें लाइटें भी होंगी, और लाइटें अलग अलग हाई लेवल की होंगी, सपोज करो नहीं आई, तो क्या होगा, इनएक्यूरेट फ्यूचर एस्टीमेट जो लगाया वो नहीं हुआ, तो क्या होगा इसकी वजह से, जो अगर उसके बारे में मैंने कुछ तैयारी रखी होगी तो वो तैयारी वेस्ट हो जाएगी। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन होती है।
और अगर दूसरी लिमिटेशन की बात की जाए तो नो गारंटी ऑफ एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी आपको जानते हैं काबिलियत, इसमें क्या है कि जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग है ये कोई भी गारंटी नहीं देता है कि ये जो एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है जिसको टेस्टिंग भी इसी की जाती है। ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी होती है जिसकी डेवलपमेंट होती है और उसके बाद उसका टेस्ट होता है, ठीक है ना। स्ट्रेटजी आप जानते हैं क्या होते हैं, षड्यंत्र लगाना। अब अगर अलग चीज की बात की जाए तीसरे वाले पॉइंट, तो दोस्तों अब तीसरे पॉइंट की बात की जाती है, जो तीसरा पॉइंट है वो है इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या चीज है, तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन ही होती है लेकिन होती है गलत इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि बताया गया है जो एंटरप्रेन्योर है, जो इकोनॉमिक जो ये है एनवायरमेंट स्कैनिंग है, ये पूरी तरह से डिपेंड होती है एंटरप्रेन्योर के ऊपर जो उसने इन्फॉर्मेशन ली है फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और साथ में पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में जो उसने इन्फॉर्मेशन ली है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए तो क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग होगी वो भी गलत हो जाएगी, और अगर डिसीजन मेकिंग गलत होगी तो प्लानिंग भी गलत हो जाएगी, और प्लानिंग गलत हुई तो बिजनेस भी खराब। तो यही होता है इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। गुड बाय, टेक केयर।